आज हम एस्केप करने वाले माइनक्राफ्ट का बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रिजन। इस प्रिजन का नाम है क्रीपर बेडरॉक प्रिजन। ये काफी ज्यादा बड़ा है, क्रीपर का स्टैचू है और पूरा बेडरॉक से बना हुआ है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े रूम्स हैं और सारी चीजें सॉल्व करके हमें क्रीपर के यहाँ से निकलना होगा। और आखिरी में बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा एक ट्विस्ट है, देखते हम यहाँ से एस्केप कर पाएंगे या फिर हमेशा के लिए यहीं बंद रह जाएंगे। तो सबसे पहले स्पॉन तो हम यहाँ पे हुए थे और ये मेरे को शायद क्रीपर का हेड लग रहा था। एंड यहाँ पे मैं आया कैसे, ये भी तो कहानी मेरे को बतानी है। तो मैं अपना मस्त धूप में माइनिंग करने जा रहा था, काफी सारी मेरे को आयरन की ओर्स भी मिल रही थी। एंड तभी मेरे को एक क्रीपर दिखता है, वो भी बिल्कुल उल्टा। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैंने मारने का ट्राई करा और उसी टाइम फट गया और मैं वापस स्पॉन नहीं हुआ बल्कि यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। एंड जहाँ पे हम टेलीपोर्ट हुए थे वो रूम तो यार काफी ज्यादा बड़ा था, सारी वहाँ की वॉल्स बेडरॉक से बनी थी। और ये भी मेरे को समझ आ गया था निकलना कहाँ से, क्योंकि ऊपर मेरे को एक एंट्रेंस दिख गई थी, पर हम जहाँ खड़े थे वहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। आसपास मेरे को कोई भी चीज नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर मेरी नजर जाती फ्लोर पे जहाँ पे भाई फर्नेस रखे हुए थे और एक एक फर्नेस को मैंने चेक करा और वहां से मेरे को 5 आयरन की इंगेट मिल गई। और यहाँ पे मेरे साइड में एक प्लैंक भी रखा था, उसको भी मैंने तोड़ लिया। और मेरे को कोई भी आइडिया नहीं थी कि आयरन और प्लैंक से हम क्या बना सकते हैं। और क्राफ्टिंग टेबल में अपनी रैंडमली आयरन प्लेस कर रहा था एंड तभी मेरे को आयरन का ट्रैप डोर की रेसिपी दिख गई, तो मैंने फटाफट से बना लिया भाई। और जो प्लैंक मिला था उससे तो भाई बटन बनाना ही था। फिर मैंने ट्रैप डोर को यहाँ रखा, बटन को यहाँ प्लेस करा और कुछ इस तरीके से वहां से बाहर निकल गया। और बाहर निकलते ही खतरनाक सी सीनरी मेरे सामने आ गई, 2 कैट उल्टी लटकी हुई थी। क्रीपर भी भाई क्या जुल्म कर रहे हैं आजकल। तो मैंने कैट को बचाने का ट्राई करा, कोई फायदा नहीं। मैंने सोचा कि ऊपर वाली फेंस को भी तोड़ के ले आता हूं, शायद काम आएगी, कोई फायदा नहीं। और नीचे जितने भी फर्नेस लगा रखे थे उनको चेक करा, लेकिन सारे खाली पड़े थे। और फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और जस्ट मेरे को बाद में पता चलता कि फर्नेस अगर हम हाथ से तोड़ते हैं वो हमें मिलता भी नहीं है, और फर्नेस के नीचे बेडरॉक और लगा रखा था। और सारे रूम में घूमने के बाद मेरे को सामने एक ड्रॉपर जैसा कुछ तो दिखा, लेकिन इसको खोला कैसे जाए। और जहां हम टेलीपोर्ट हुए थे उसके ऊपर 2 चेस्ट रखी हुई थी, एक चेस्ट में मेरे को एक फिशिंग रॉड मिली और दूसरी वाली चेस्ट बिल्कुल खाली थी भाई। फिर मेरे को लगा इस ड्रॉपर में कुछ तो सामान होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई लीवर वगैरह नहीं था और ये काफी ज्यादा दूर भी था। फिर मेरे को याद आया भाई मैंने बटन बनाए तो था। स्टार्टिंग में मैंने ट्रैप डोर को खोलने के लिए जो बटन लगाया था उसको मैंने तोड़ के और साइड में होके वापस उसको ले लिया। एंड बटन मैंने सामने लगा दिया और बटन को प्रेस करते ही सामने एक पोशन दिखता है और मेरे को कोई आइडिया नहीं था वो पोशन किस चीज का है, और इतना मेरा दूर हाथ भी नहीं पहुंच रहा था कि मैं उसको ले सकूं। और वहां पे मेरे को ऊपर एंट्रेंस तो दिख रही थी लेकिन कोई भी चीज मेरे को नहीं मिली। मैंने वापस से सारे फर्नेस को चेक करा, सारे खाली पड़े थे। मैंने दोनों चेस्ट को भी तोड़ दिया और एक के ऊपर एक को प्लेस करा, लेकिन वहां तक मेरी हाइट नहीं पहुंच रही थी। लेकिन फिर मेरे को याद आया मेरे पास फिशिंग रॉड भी है जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम है, और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा अगर मैं फिशिंग रॉड सामने मारूंगा तो पोशन मेरे पास आ जाएगा, और ये बिल्कुल काम कर गया भाई। और इसका नाम था पोशन ऑफ लेविटेशन। इसको पीने पर मेरे को 6 सेकंड की लेविटेशन मिलेगी, मतलब हवा में उड़ेगा अपना बंदा। मैं सीधा कोने में गया, पोशन पिया और अगले वाले रूम में एंट्री मार दी। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप एक परफेक्ट लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो, वो भी बिना कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज करे बिना। मेरे पास है आप लोगों के लिए टर्निप ऐप। तो टर्निप एक ऐसा मोबाइल लाइव स्ट्रीम ऐप है जहाँ पे आप 1080p लेवल की स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। आप चाहो तो स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विच पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म जैसे बूया पे भी इजिली स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी एक साथ। अपनी स्ट्रीम को मस्त डिजाइन कीजिए अपने स्टाइल से, कस्टम थंबनेल डालिए, फेस कैम डालिए या फिर तगड़े वाले एनिमेटेड ओवरलेज भी डाल सकते हैं। और टर्निप से आप टीममेट और गेम के साउंड एक साथ स्ट्रीम कर सकते हो। और स्ट्रीम करते टाइम अपनी मस्त लाइव चैट पढ़िए, डोनेशन पाइए और सब्सक्राइब अलर्ट तो इस ऐप में है ही। सीधा आज से आप स्ट्रीम चालू कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए टर्निप ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये था रूम नंबर 2। दिखने में ये काफी ज्यादा लंबा था और ऑब्वियसली यहाँ की वॉल्स भी बेडरॉक की बनी थी। एंड यहाँ पे 2 जगह थी जहाँ पे हम जा सकते थे, पहली उस लावा की तरफ और दूसरी इस पानी में। तो ऑब्वियसली मैं पानी में गया एंड वहाँ पहुंचने पे सामने मेरे को एक एंडरचेस्ट दिखी, उसको मैंने खोला तो वहाँ पे मेरे को एक फ्लिंट मिल गई और मेरे को यहाँ पे कोई चीज नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं वापस ऊपर चला गया। और सामने भाई लावा का तगड़ा सा पुल था, वहां से हम पार्कौर करके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। एंड पीछे मेरे को 2-3 ऑब्सिडियन भी दिख गए। अब मैंने सोचा कि ऑब्सिडियन को तोड़ के यहाँ पे मैं पार्कौर कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता होगा अगर हम हैंड्स ऑब्सिडियन को तोड़ते तो हमें मिलता ही नहीं है। और हमारे पास सिर्फ एक आयरन था जिससे हम कोई पिकैक्स नहीं बना सकते थे, ये टूटी फूटी फिशिंग रॉड थी जिसका कोई यूज नहीं था, और एक फ्लिंट भी हमें मिल गई थी। और इन तीनों चीजों को भी मिला के हम क्राफ्टिंग टेबल में भी कुछ नहीं बना पा रहे थे, लेकिन एक रेसिपी मेरे सामने आई फ्लिंट एंड स्टील की, लेकिन उस टाइम मैंने बनाई नहीं क्योंकि फ्लिंट एंड स्टील का क्या ही यूज हो सकता है। एंड अगेन मेरी नजर गई ऑब्सिडियन पे और ये ऑब्सिडियन बिल्कुल एक पोर्टल की शेप में लगा रखे थे, और बचे थे हमारे पास यहाँ पे 8 ऑब्सिडियन। और 8 ऑब्सिडियन हमें कहाँ से मिल सकते थे, यहाँ पे कोई चेस्ट वगैरह नहीं थी। मैंने लावा के नीचे भी बिल्कुल चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। एंड दोबारा मैं उस तरफ भी गया एंड देन मैंने रियलाइज करा कि अगर हम हाथ से एंडर चेस्ट को तोड़ेंगे तो हमें कुछ ऑब्सिडियन तो जरूर मिलते हैं। एंड जब मैं तोड़ने लग गया तो भाई कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, बहुत ज्यादा टाइम। एंड बिल्कुल हमें एग्जैक्टली 8
ऑब्सिडियन मिल चुके थे। तो मैं फिर फटाफट से पानी से ऊपर गया, फटाफट से मैंने ऑब्सिडियन लगाए एंड फ्लिंट एंड स्टील लगाया और मैं सीधा नेदर के अंदर आ गया। और नेदर के अंदर आके भी यहाँ पे भी पूरा बेडरॉक का रूम बना रखा था और सामने मेरे को दिखता है एक स्ट्राइडर, वो भी एकदम उल्टा। भाई इस वाले प्रिजन में सारी चीजें उल्टी क्यों है? एंड मेरे को ये भी समझ आ गया था कि स्केप कैसे करना है। लावा पे हमें स्ट्राइडर को चलाना होगा, लेकिन स्ट्राइडर पे बैठने के लिए हमें एक सैडल चाहिए होगा और एक फंगस वाली रॉड चाहिए होगी, और ऊपर से स्ट्राइडर उल्टा था तो शायद हमें लावा से डैमेज भी पड़ सकता है। देन मैंने इस वाले रूम को सारा जान मारा लेकिन कुछ नहीं मिल पाया मेरे को। एंड जहाँ पे अपना स्ट्राइडर लावा पे खड़ा था वहाँ पे मैंने अंदर हाथ मारा तो भाई नीचे एक चेस्ट भर रखी थी और जो भी हमें चीज चाहिए थी वो सारी यहाँ पे थी। सैडल को तो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया था और जो अपने पास फिशिंग रॉड बची हुई थी उस पे मैंने फंगस लगा के फंगस ऑन स्टिक बना दिया एंड स्ट्राइडर को मैं लेके आ गया ओवरवर्ल्ड में। तो अपना बंदा वैसे भी स्ट्राइडर के लेग्स पे बैठा था इसलिए हम लावा को इजिली पार कर पाए, और पार करते ही हमें बिल्कुल यहाँ पे नीचे जाना था तो उसी स्ट्राइडर को मैंने नीचे गिरा दिया। स्ट्राइडर ने डैमेज लिया लेकिन हमने बिल्कुल नहीं। इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, 100K गेम रखते हैं और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना, 1 मिलियन गेम काफी ज्यादा क्लोज है। एंड यहाँ नीचे आते ही मेरे को सामने एक ट्रैप डोर दिखा एंड इसका मतलब ये है हमारे स्ट्राइडर को हम आगे नहीं ले जा सकते, तो इसको भाई यहीं से बाय बाय कर देते हैं। तो इस वाले होल के अंदर तो मैं घुस गया और मैंने ट्रैप डोर भी कलेक्ट कर लिया। हर चीज भाई कलेक्ट करते हुए चलनी चाहिए यहाँ। एंड ये था भाई यहाँ का रूम नंबर 3। सबसे पहले जो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, एक चेस्ट पे क्रीपर कैट बैठी थी और यहाँ पे काफी सारे घोस्ट टाइप के कुछ मॉब्स घूम रहे थे। सामने और एक साइड में टनल थी और यहाँ मैं कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं सामने तो वहाँ जा नहीं सकता था और नीचे यार काफी सारे घोस्ट घूम रहे थे और उनको मैंने ध्यान से देखा और तभी पता चला कि वो क्रीपर के घोस्ट है, तो यहाँ मैं नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। तो भाई मैंने ट्रैप डोर चुराया, उसका एक तो फायदा हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर लगाया और अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही भाई पूरा रूम ब्लैंक पड़ा हुआ था। वैसे वापस जाने के लिए यहाँ पे ट्रैप डोर तो था, मैंने पूरे रूम की छानबीन करी लेकिन लिटरली भाई वहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैं वापस आ गया। और क्या, और वो कैट भी भाई क्रीपर वाली दिख रही थी, शायद फट भी जाए हमें कोई आइडिया नहीं क्योंकि ऐसे घोस्ट मैंने माइनक्राफ्ट में अभी तक नहीं देखे थे। और वहाँ पे सामने जाने का भी मेरे को एक ही तरीका लग रहा था, या तो हम एंडर पर्ल कर लेते या फिर शायद हमें वहाँ जाना ही ना हो। तो वापस से भाई मैं खाली रूम में गया, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं सूझा। और एंड यहाँ सबसे ज्यादा अलग चीज ये वाला ब्लॉक लग रहा था, तो मैंने ऐसी रैंडमली मुक्के मारे और वो बेडरॉक नहीं भाई एक पेंटिंग थी। इतना तगड़ा ट्रैप भाई किसने बनाया होगा। एंड वहाँ पीछे एक वॉल थी जिसको मैंने तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो गायब हो गई। उसके पीछे एक क्राफ्टिंग टेबल रखी थी और मेरे पास कोई चीज नहीं थी भाई जो मैं क्राफ्ट कर सकूं, लेकिन क्राफ्टिंग टेबल को मैंने तोड़ा और उसके पीछे एक बैरल रखी थी। बैरल को खोलते ही मेरे को सारा सीन समझ आ गया था, यहाँ पे एक क्रीपर का हेड रखा हुआ था। मेरे हिसाब से इस वाले क्रीपर हेड का ये यूज होगा, अगर हम नीचे कैट के पास जाएंगे तो शायद कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, या फिर एक्सप्लोजन होगा तो भी हमें डैमेज नहीं पड़ेगा और चेस्ट गायब नहीं होगी। यहाँ से बाहर निकला और बाहर जाते वक्त ट्रैप डोर भी कलेक्ट कर लिए, क्रीपर का हेड पहना और यहाँ से नीचे चला गया। और नीचे जाके मैंने इस कैट को उठा दिया और इस वाले चेस्ट को खोलते मेरे को एक एंडर पर्ल मिल जाता है। वापस से मैं ऊपर जाता हूँ और सामने एंडर पर्ल करता हूँ और यहाँ से एस्केप। एंड फाइनली हम आ चुके थे रूम नंबर 4 में। ये वाला रूम तो काफी ज्यादा बड़ा था, नीचे पूरी लावा भरी हुई थी और यहाँ पे ग्लास में एक बेचारी चिकन भी फंसी हुई थी और उसने एक अंडा भी दे रखा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में गया और ऊपर हॉल में आइटम फ्रेम में मेरे को एक फेंस लगी हुई दिखी, जरूर उसका कुछ ना कुछ काम होगा। यहाँ पे एक चेस्ट रखी थी और उसके अंदर एक लीड और एक सीड था, वैसे एक चेस्ट नीचे भी थी, जरूर उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सामान होगा। और मेरे को इस रूम का एग्जिट पॉइंट भी दिख गया था, इन दोनों चेस्ट और इस आइटम फ्रेम के अलावा इस रूम में कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने इस वाले फेंस को लेने का ट्राई करा, चेस्ट पे ट्रैप डोर लगाया, ट्रैप डोर पे ट्रैप डोर लगाया, लेकिन वहां तक मेरी हाइट नहीं पहुंची। और जहाँ पे ये बेचारी चिकन बन थी वहाँ के मैं ग्लास तोड़ता तो वैसे भी मेरे को कुछ नहीं मिलता, वैसे मैंने एक ऊपर का ग्लास तोड़ के देख लिया था। एंड जैसे पिछले वाले रूम में बेडरॉक की पेंटिंग लगा के हमें उल्लू बनाया जा रहा था, यहाँ पे भी भाई मैं सारे बेडरॉक चेक करने लग गया। और चेक करते करते मेरे को थोड़ी सी चीज नोटिस हुई, एक बार इस वाले बेडरॉक की आवाज सुनो और एक बार इस वाले बेडरॉक की आवाज सुनो। तो मैंने उसको तोड़ने का ट्राई करा और वो टूट भी गया भाई, और इन्वेंटरी में उसका नाम ब्रिज प्लैंक्स लिखा रहा था। पहले पेंटिंग लगा दी, अब तो भाई पूरा टेक्सचर ही चेंज कर डाला। और फिर पता चला टोटल 6 प्लैंक्स रखे थे। सबसे पहले तो मैं वो फेंस लेके आया एंड धीरे धीरे मेरे को सारा सीन समझ आ चुका था, ये वाला बेडरॉक ऐसे ही हवा में नहीं लटक रहा था। यहाँ पे मैंने फेंस लगाई, यहाँ से ग्लास तोड़ा और सीड से मैंने चिकन को बुला के उसको लीड से यहाँ पे फेंस में बांध दिया। 6 में से 5 ब्लॉक तो मैंने बोट बनाने में लगा दिए, बेचारी जो चिकन नीचे लटक रही थी उस पे हमें बोट चढ़ानी थी ताकि हम उस वाले चेस्ट तक पहुंच सके और उसके अंदर पता नहीं क्या सामान है उसको भी हम ले सके। और काफी ज्यादा कोने पे जाके मैंने चेस्ट को खोला और वहां पे मेरे को एक एंडर पर्ल मिल गई। फिर क्या था भाई, सामने मैंने एंडर पर्ल मारी और वहां पे टेलीपोर्ट हो गया। एंड यहां पे आते ही बहुत ज्यादा अंधेरा था, नीचे मेरे को एक होल मिला और वहां से मेरे को काफी ज्यादा रोशनी दिखी। तो पहले मैं एक ब्लॉक पे कूदा फिर नीचे आ गया सीधा, एंड मुझे लगा मैं एस्केप कर चुका था लेकिन यहां पे तो भाई पूरा लावा भरा हुआ था, हर तरफ बेडरॉक की बड़ी बड़ी दीवारें लगा रखी थी और सामने एक छोटा सा
पूरा होल दिख रहा था और वहाँ पे कुछ तो ऑब्सिडियन की चीजें रखी हुई थी और दीवार पे कुछ पैटर्न टाइप बना रखा था। और यहाँ पे मैंने साइड में होके देखा तो कुछ लैडर्स दिखी, तो मैंने सोचा जो सामने दीवार बनी हुई है वहां तक चला जाऊं, लेकिन मेरे पास ब्लॉक्स काफी ज्यादा कम पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा ऊपर मैंने कुछ तो मिस कर दिया होगा। बचे कुछ ब्लॉक्स में ऊपर गया एंड सामने भाई यहाँ पे फिर से मेरे को बेडरॉक की पेंटिंग दिख गई। इनको हटाया तो मेरे को एक चेस्ट मिली और उसके अंदर ये सारा सामान था और साइड में क्राफ्टिंग टेबल भी रखी थी। दोनों चीजों को लेके मैं नीचे आ गया। कॉपर और शार्ड से यहाँ पे स्पाई ग्लास का ऑप्शन आ रहा था तो मैंने बना लिया एंड मैंने उन वाली ऑब्सिडियन की चीज को देखा तो दिखने में तो भाई वो बोट ही लग रही थी एंड वो पैटर्न भी मेरे को समझ आ गया था। मैंने क्राइंग ऑब्सिडियन को कुछ इस पैटर्न में लगाया, लावा बोट बनाई और सीधा उसी तरफ चला गया और लैडर चढ़ के इजिली यहाँ से एस्केप हो गया फाइनली। बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रिजन था यार। तो अभी के लिए भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और शाउट आउट टू इट्स प्रो जयेश फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो सीधा जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।